हाय गाइज, वेलकम बैक टू हेल्दी ट्विस्ट। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चुकंदर सूप रेसिपी। चुकंदर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। चुकंदर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है और ये कैंसर सेल से फाइट करता है। और ये सूप बहुत ही यम्मी बनता है गाइज, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं बिना देरी के। मैंने लिए है एक बड़ा चुकंदर, दो टमाटर और दो गाजर। अब इनको हम प्रेशर कुकर में डाल के एक सीटी लगाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक ही सीटी लगाएंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वेजिटेबल्स में ऑलरेडी पानी होता है, तो एक सीटी हम लगाएंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, एक सीटी लग गई है। और टमाटर को हम अलग से निकाल लेंगे क्योंकि टमाटर को हमें पील करना है और अलग से मिक्सी में पीसेंगे। इन सब्जियों को अलग से बोल में निकाल लेंगे। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करेंगे जब तक हमारी सब्जियां ठंडी होती है। तो देखिए, पेस्ट हमारा हमने ये बना लिया है। आप चाहे तो पहले फ्राई करके और जो सब्जियां हैं उनको हाफ कुक करके भी आप ठंडा करके उनको बाद में भी मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको पहले ही पीस रही हूँ, पहले ग्राइंड कर रही हूँ। अब हम प्याज को मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, एक छोटा प्याज, और पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब हम टमाटर और बीटरूट और गाजर का पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले अब हम टमाटर का पेस्ट तैयार करेंगे। टमाटर को हमने पील कर लिया है। मैं यहाँ पे टमाटर को पहले पेस्ट अलग से पेस्ट कर रही हूँ, फिर गाजर और चुकंदर को। आप चाहे तो इन तीनों को आप एक साथ भी मिक्सी में पेस्ट तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग कर रही हूँ। तो टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया है, अब बाकी सब्जियों को भी हम पीस लेंगे। गाइस, जो डाइट पे रहते हैं या फिर जिनको अपना वजन कम करना है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। सूप सबसे अच्छा ऑप्शन है डाइट के लिए। और सूप तो ऐसी चीज है कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी पी लेंगे तो उसे आपको हैवी फील नहीं होगा, हल्का ही फील होगा। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर और गाजर का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो एक चम्मच कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं या सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जैसे सब्जी के लिए करते हैं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है इसको। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हमें हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि सूप में जो टेस्ट आता है वो मेन लहसुन अदरक, इनका मेन टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट नहीं आएगा तो सूप में भी कोई मजा नहीं आएगा। एक हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ। अगर यहाँ पे आप एक हरी मिर्ची डालेंगे तो एक चुटकी डाल ले आप ब्लैक पेपर, ज्यादा नहीं डालें। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
क्योंकि ऑलरेडी टमाटर पका हुआ है। और जो मैं ये सूप बना रही हूँ, जितनी सब्जियां मैंने इसमें यूज की है, तो ये 4 लोग इसमें आसानी से आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी चुकंदर गाजर पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ज्यादा पानी डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा पानी डालेंगे फिर उतना ही हमें पकाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आपको थोड़ा सा थिन पसंद है सूप, तो आप थोड़ा सा थिन रख सकते हैं। अगर आपको थिक पसंद है तो आप थोड़ा ज्यादा पका सकते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पे पकाएंगे। और 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, क्योंकि गाजर और चुकंदर में स्वीटनेस है ऑलरेडी, और अगर हम नींबू का यूज करेंगे इसमें तो खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो सूप हमारा तैयार है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है और एक बाउल में निकाल लेंगे सूप को। तो सूप हमारा तैयार है। अब गार्निश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ व्हाइट सीसमे सीड्स। आप चाहे तो ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं इसमें, और गार्निश के लिए मिंट लीव्स का यूज कर रही हूँ। तो हमारा ये यम्मी सूप बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।